ये घड़ी की आवाज कितनी डरावनी है ना कोमल। हाँ हाँ मुझे मालूम है, तू ऐसा क्यों कह रही है। तेरे दिमाग में ना अभी भी वो हॉस्पिटल की पुरानी कहानियाँ वो घूम रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि ये अपना फ्लोर कितना सुनसान है ना, सिर्फ दो मरीज और हम दोनों के अलावा एक स्टाफ वाला और है बस। पता है कभी कभी अकेले में तो मुझे भी डर लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई भूत बंगला हो। कोमल एक इमरजेंसी है फर्स्ट फ्लोर पे, मैं अभी आती हूँ। हाँ। ये कैसी आवाज है? काम अधूरा छोड़कर कोमल कहाँ चली गई? कौन हो तुम? अरे रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ जवाब क्यों नहीं देते? रुक जाओ, अरे अरे सुनिए तो सही, सुनिए, रुकिए। अरे सुनो। जी मैम। तुमने कोमल को देखा कहीं? नहीं मैम, मैं इस फ्लोर पे नहीं हूँ और अभी अभी आया हूँ ये सामान रखने के लिए। मैम, इनके कानों से तो खून आ रहा है। जल्दी से स्टेशन लेकर आओ, आईसीयू जाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी। जी मैम। कोमल कोमल, अरे कोमल क्या हुआ बता? सारी कोशिशें बेकार गई। She is dead. ऐसा इसने क्या सुन लिया जिससे इसके कान के पर्दे भी फट गए और ब्रेन हेमरेज भी हो गया? इसके दिमाग में कोई बीमारी थी, इसने कभी ऐसा कुछ नहीं बताया था। सब उस कॉरिडोर में ही कुछ हुआ था, वरना ये तो ठीक ठाक थी। जब तुम्हें ऐसी हालत में मिली थी इसने तुमसे कुछ कहा था? नहीं सर, मुझसे तो कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन हाँ एक आदमी से डरी हुई थी और कह रही थी कि उसे कोई आदमी दिखा था जो सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था। सफेद कपड़ों में कौन सकता है कॉरिडोर में? इस हॉस्पिटल में ही कुछ गड़बड़ है। हॉस्पिटल खुले हुए अभी कुछ दिन हुए और ये सब नाटक शुरू हो गया। क्या हो रहा है? अपनी जबान पे काबू रखो और कोई भी इस तरह की अफवाह मत फैलाओ। सर सबको मालूम है यहाँ पे पहले दिमाग का हॉस्पिटल था, इस तरह की घटनाओं की वजह से ही ये हॉस्पिटल बंद हुआ था। सुना तो मैंने भी था, उस वक्त भी ऐसे कुछ लोगों की मौत हुई थी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हो? सर हमें डीन से ये सब कुछ बातें कर लेनी चाहिए। हाँ लेकिन इसे ब्रेन हेमरेज हुआ कैसे? अरे यार श्रवण, ये कॉरिडोर तो ठीक ठाक दिखता है, फिर कोमल मैडम की मौत कैसे हो गई? वो सब बातें मत कर, कोई सुन लेगा। हमें क्या लेना देना उस बात से? लेना देना है आखिर उसकी मौत अचानक कैसे हो गई बिना किसी वजह के? रात को 4 बजे ये सब बातें डिस्कस कर रहा है तू? आसपास कोई हो सकता है? कहाँ पे? मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, वो सुन लेंगे तो नाराज हो जाएंगे। तुम्हें ना यार पक्का डरपोक है।
ये आवाज कैसी? मैंने कहा ना कोई है यहाँ पर, तू चुपचाप जल्दी चल यहाँ से। देख, देखा क्या? वो जो गया अभी। कौन? मैंने तो नहीं देखा। अच्छा तू रुक यही, मैं अभी आता हूँ। अभी अभी तो इतना डर रहा था, अब अचानक कहाँ जा रहा है तू? मैं अभी आके बताता हूँ। समझ में नहीं आ रहा, श्रवण के कान के पर्दे फट गए और कोमल के भी, और फिर दोनों को ब्रेन हैमरेज हो गया था। जो साइकेट्रिस्ट इसे चेक करके गया, वो कह रहे थे कि इसके दिमाग में डर बैठ गया। जब तक इसका डर दूर नहीं होगा, ये कुछ नहीं बता पाएगा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं लोगों को कैसे समझाऊं, क्या बताऊं उन्हें। चारों तरफ हॉस्पिटल की बदनामी हो रही है, लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। सर, लोग ऐसे ही तरह तरह की बातें नहीं कर रहे, इस हॉस्पिटल में जरूर कुछ गड़बड़ है, मगर आप लोग बातें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं आज ही यहाँ से चला जाऊंगा, किसी दूसरे हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लूंगा। प्लीज प्लीज, आप लोग इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके मामले को तूल मत देना। देखिए, मैंने सीआरडी को इन्फॉर्म किया है, अब सच्चाई क्या है ये वो लोग ही ढूंढ निकालेंगे। ढूंढ निकालेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, आप लोग आ गए। सर, मैं डॉक्टर ऋषभ, इस हॉस्पिटल का डीन, और यह है डॉक्टर केतन और यह है डॉक्टर दुष्यंत। सर, अब आप लोग ही बचा सकते हैं हमारे हॉस्पिटल को बंद होने से। बताइए क्या हुआ है। हमारे हॉस्पिटल की एक नर्स कोमल और एक वार्ड बॉय श्रवण, इन दोनों की मौत हो गई है, और ये दूसरा वार्ड बॉय चंदन, इसके कान के पर्दे फट गए हैं। श्रवण और कोमल, इनकी मौत कैसे हुई? कानों के पर्दे फटने से और ब्रेन हेमरेज से। सर, हमारी नर्स सारिका, इसका कहना है कि कोमल कॉरिडोर में भागती हुई आई और गिर गई, उसके दोनों कानों से खून बह रहा था और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। सारिका नाम है ना तुम्हारा? सारिका, कोमल ने मरते वक्त तुमसे कुछ कहा? सर, कोमल किसी सफेद कपड़े में लिपटे हुए एक आदमी के बारे में बता रही थी। क्या क्या बताया उसने? सर, पूरी बात बताने से पहले ही वो बेहोश हो गई। चंदन और श्रवण, क्या इन दोनों के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा सारिका बता रही है? जी सर, इन दोनों की मौत भी ठीक वैसी हुई, और वो भी उसी कॉरिडोर में। चाहिए, चंदन ने खुद कुछ बताया था? नहीं सर, ये कुछ बोलने की हालत में नहीं है। बोलने की हालत में नहीं है। डॉक्टर साहब, हाँ। चंदन, श्रवण और कोमल, इन तीनों के मेडिकल रिपोर्ट्स और चंदन का ब्लड सैंपल चाहिए हमें। श्योर। और वो कॉरिडोर दिखाइए जहां पर कान के पर्दे फटने से और ब्रेन हेमरेज से दो दो मौतें हुई है। आइए सर। चलिए। सर, यही वो कॉरिडोर है जहाँ दोनों घटनाएं हुई है। सारिका, तुम उस वक्त कहाँ पर थी? सर, मैं और कोमल सामने कैबिन में बैठे हुए थे सर, फिर कुछ देर के लिए मैं नीचे चली गई रिसेप्शन पर। जब वापस आकर देखा तो कोमल कैबिन में नहीं थी सर, तभी मैंने देखा कि वो वहाँ से भागती हुई आ रही है और उसके कान से बहुत खून निकल रहा था सर। सर, चंदन और श्रवण दोनों यही बेहोश मिले थे, यही पर, इसी कॉरिडोर। हाँ सर। डॉक्टर ऋषभ, कितने वार्ड्स हैं यहाँ इस कॉरिडोर में? सर, दो पेशेंट वार्ड्स, एक सप्लाई रूम और एक एग्जामिनेशन रूम। चार, चार कमरे हैं। विवेक काजल, इन चारों कमरों को अच्छी तरह से चेक करो और जितने भी उंगलियों के निशाने सबके सब उठाओ।
मुझसे एक बात बताओ, कोमल ने जो सारिका को बताया था उस सफेद कपड़े में लिपटे हुए आदमी के बारे में, क्या तुमने देखा है उसे? नहीं सर, सफेद कपड़ों में ऐसा कोई आदमी नहीं दिखा आज तक, मगर हाँ कभी कभी अजीब सी आवाज जरूर सुनी है। आवाज? जी सर। कैसी आवाज? सर जैसे किसी पाइप में से कोई हवा पास हो रही हो। डॉक्टर ऋषभ। यस सर। आपको हमारे साथ चलना होगा, आपसे कुछ जरूरी सवाल करने हैं। देखिए मिस्टर ऋषभ, घबराइए मत, अखबार में छपने से आपका हॉस्पिटल बंद नहीं होगा। बंद तो नहीं होगा सर, लेकिन बदनामी तो होगी ना? हाँ, बदनामी तो जरूर होगी, क्योंकि वहां काम ही कुछ ऐसा हुआ है। सबसे पहले तो आप अपने स्टाफ को समझाइए, सबके सब चिल्ला रहे हैं कि वो जगह डरावनी है। सर मैंने बहुत समझाया उन लोगों को कि वो जगह डरावनी नहीं है, लेकिन 1970 में जब वहाँ दिमाग का हॉस्पिटल बना था, तभी से किसी ने अफवाह फैला के रखी है वहाँ। अफवाह? कैसी अफवाह? यही कि उस जगह में कुछ गड़बड़ है और इसीलिए वो दिमाग का हॉस्पिटल बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट ने फिर से परमिशन लेके ये हॉस्पिटल बनाया था। अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक ये मौत होने लगी। देखिए ऋषभ जी, ये मौत अचानक नहीं हो रही है, कोई है जो जानबूझ के ये खून कर रहा है। कौन हो सकता है वो सर? ये आप बताइए, आपको किसी पे शक है? सोच के बताइए, कोई ऐसा आदमी जिसे आपके हॉस्पिटल बंद होने से फायदा होता हो? हाँ सर, कुछ लोग तो है जिन्हें हॉस्पिटल बंद होने से फायदा होगा। कौन लोग हैं वो? कुछ बिल्डर्स हैं सर, जिन्हें हमारे हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ पता है। क्या क्या पता है? यही कि हमारा ट्रस्ट बिल्डिंग तोड़ के नया हॉस्पिटल नहीं बना सकता, मगर हमारे ट्रस्ट ने उसी बिल्डिंग को रंग और प्लास्टर करके ये नया हॉस्पिटल शुरू कर दिया है। उन बिल्डर्स को लगा होगा कि ये ट्रस्ट गरीब है, इसलिए अफवाह सुन के जगह छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, आप जाइए, और हाँ उस फ्लोर पे जितने भी मरीज हैं उन सबको वहां से हटा दीजिए। जरूर सर। क्या चल रहा? इस हॉस्पिटल का इतिहास टटोलना होगा, और बिल्डर्स के बारे में भी पता करो, कौन लोग हैं जो हॉस्पिटल बंद कराना चाहते हैं। आप क्या बताने वाले हैं? हाँ, मैं ये सोच रहा हूं कि आखिर इन दोनों की दिमाग की नस कहां फटी और कैसे फटी, क्योंकि देखो ये दोनों के दोनों जवान हट्टे कट्टे, तो फिर इन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ कैसे? क्या दरअसल ब्रेन हेमरेज तो 40-50 साल की उम्र के बाद हुआ करता है? तो फिर एक बात पक्की है बॉस, इन दोनों के कान के पर्दे फट गए। सर हो सकता है इन लोगों ने कोई ऊंची आवाज सुन ली हो, जैसे कान के पास कोई बॉम्ब फट गया हो। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। वैसे भी इन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें ये बताती है कि इन दोनों को ना तो कोई कान की बीमारी थी और ना ही कोई ब्रेन हेमरेज होने के लक्षण थे। मगर सर ऊंची आवाज से कान के पर्दे कैसे फट सकते? अपना कान यहाँ लाओ, अपना कान मेरे मुंह के पास लाओ। जवाब मिल गया क्या? क्या बोला? ये तो गया। अरे क्या बोला, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।
दया, ऐसी 4000 मेगाहर्ट्ज की आवाज अगर कान के पास क्रिएट की जाए तो कान के पर्दे फट सकते हैं। चाट बाजार? अबे चाट बाजार नहीं, 4000। फिर वही चाट बाजार? खाने की बातें यहाँ पे क्यों कर रहे हो सर? कहीं की बातें कहीं? आप मजाक कर रहे हो क्या? डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कई बार कहा कि फ्रेडी के साथ रिस्क मत लो। हाँ यार, गलती मेरी है बस। सर, अगर हॉस्पिटल में इतनी जोर की आवाज हुई है तो और लोगों ने भी सुना होगा, मगर वहां पे तो किसी ने कुछ सुना ही नहीं। अब यार ये तो नहीं पता किसी ने वो आवाज क्यों नहीं सुनी, लेकिन ये बात पक्की है कि इन लोगों के कान के पर्दे इतनी ऊंची आवाज की वजह से ही फटे। और ब्रेन हैमरेज? ब्रेन हैमरेज कैसे हुआ सर? पूर्वी, इन दोनों का ब्रेन हैमरेज भी वही हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की वजह से हुआ है। मैं बताता हूँ, आओ। देखो दया, जिस ऊंची आवाज की वजह से इनके कान के पर्दे फटे हैं, उसी ऊंची आवाज की वजह से इनके दिमाग में एक किस्म का केमिकल रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से इन दोनों के दिमाग की नसें फट गई और इन दोनों का ब्रेन हैमरेज हो गया। मगर सर, वो दूसरा वार्ड बॉय चंदन, उसे ब्रेन हैमरेज क्यों नहीं हुआ? उसके तो सिर्फ कानों के पर्दे फटे हैं। ये भी पता चल जाएगा जैसे उसकी ब्लड रिपोर्ट आएगी, ये पता चल जाएगा। और वो जो उंगलियों के निशान मिले थे डॉक्टर तारिका, हॉस्पिटल वार्ड के दरवाजे के ऊपर से, उसमें कोमल या श्रवण की उंगलियों के निशान मिले? नहीं, अभी तक तो नहीं मिले। मैं एक निशान से मैच करके देख रही हूँ। सर, चंदन के खून की रिपोर्ट। ओके, थैंक यू। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? अरे यार, चंदन के खून में तो ऐसी ड्रग मिली है जो उसे ठीक होने ही नहीं देगी। इस चंदन को तो गलत दवाई दी जा रही है बॉस। ये दवाई हॉस्पिटल में दे रहा होगा कोई, फिर दवाइयां बंद करनी होगी, वरना वो कभी हमें सच्चाई नहीं बता पाएगा। ममता, इसे नींद का इंजेक्शन दो जल्दी। इसे हर तरह की दवाइयां कर दी, लेकिन इसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा। ममता, तुम ऐसा करो, जो प्रेस्क्राइब्ड इंजेक्शन है ना, वो इसे दे दो। जी डॉक्टर। एक मिनट, बंद करिए, रुको। इसे अब उल्टी सीधे दवाई नहीं दी जाएंगी, समझे? आप कौन सी उल्टी सीधे दवाइयों के बारे में बात कर रहे हैं? भाई, जो आप लोग इसे दे रहे हैं, इसे ये कभी ठीक नहीं होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, हमें इसके खून में साइको रिएक्टिव ड्रग्स मिले हैं, जिससे इसका दिमाग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम तो इसे वही दवाइयां दे रहे हैं जो प्रेस्क्राइब्ड है। ये देखिए, इस पे लेबल भी लगा हुआ है। देखिए डॉक्टर साहब, आप हमारी बात को समझ नहीं रहे। लेबल कुछ भी लगा हो, लेकिन अंदर दवाई नकली है, इसकी दवाई बदली गई है। लेकिन ये ऐसा कौन कर सकता है? आपने बदली होगी। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? इस मरीज का इलाज तो आप ही करते हैं ना, तो आप ही ने किया होगा, और कौन करेगा? सर, लेकिन मैंने इसे दवा नहीं दी है। तो फिर कौन देता है दवाई इसे? वो सर, सारिका ही इसको दवाई देती थी और इंजेक्शन भी वही तैयार करती थी, लेकिन आज उसकी ड्यूटी दूसरे वार्ड में है। ये सारिका वही है ना जो उस रात कोमल के साथ में थी? जी। इधर बुलाइए उसे। जी। सर, वो फोन नहीं उठा रही है। सर, कहीं वो भाग तो नहीं गई? सारिका मैडम से क्या हो गया? सारिका मैडम, क्या हुआ? Oh no. देखो जरा, ये तो मर चुकी है। ओ, ये हथेली देखो, लगता है जहरीली पेन मारी गई है और नीला पड़ गया आसपास। काजल, अच्छी तरीके से बॉडी चेक करो।
कैसे हुए ये सब? साहब मैं डिटर्जेंट का बॉटल लेने गया था साहब, तो उसी टाइम देखा कि सारिका मैडम मरी पड़ी है। तुमने यहाँ पे और किसी को देखा? नहीं साहब। सर मैंने 15 मिनट पहले सारिका मैडम को कॉरिडोर पे देखा, वो बिल्कुल ठीक थी सर, फिर पता नहीं सर उनको क्या हो गया। अच्छा जब तुमने इसे देखा था तो ये अकेली थी या इसके साथ में कोई और भी था? नहीं सर वो अकेली थी, वो तो सर अपना हाजिरी बना के स्पेशल वार्ड में किसी मरीज का ब्लड प्रेशर चेक करने गई थी। मैंने भी उससे नई दवाइयों की फाइल के बारे में पूछा था, तब तक तो वो सही थी, फिर कौन मार गया उसे? सर सारिका खूनी को जानती थी। ऐसा ही लगता है, और खूनी को लगा हुआ कि हम इस सारिका तक पहुंचने वाले हैं, इसलिए उसने सारिका का खून कर दिया। इस सारिका तो सिर्फ एक मारा थी अभिजीत, असली खूनी तो अभी भी शराफत का मुखौटा लगाकर घूम रहा है हॉस्पिटल में। इसके शराफत का मुखौटा उतारने के लिए कोई चाल चलनी पड़ेगी जया, क्योंकि खूनी को पता चल चुका है हम उस तक पहुंचने वाले हैं, इसीलिए उसने सारिका को मार दिया। सारिका के हस्बैंड से पूछताछ करेंगे, उसे कुछ ना कुछ तो मालूम होगा वो किसके लिए काम करती थी, मगर वो भाग गया, कभी ना कभी तो वापस आएगा ना। सर सर उस हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट मिल गया है सर, और ये वो फाइल है सर, इसमें उस हॉस्पिटल की पूरी जानकारी है सर, और सर ये वो नक्शा है जब वहाँ पे दिमाग का हॉस्पिटल था सर, और ये वाला अभी का है, अभी के चैरिटेबल हॉस्पिटल का सर। ये दिमाग का हॉस्पिटल बना 1970 में और बंद हुआ 1990 में जी, इस दोनों नक्शे में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल एक ही जैसे हैं। ये बिल्डिंग बनाया गया, बस ये कुछ ब्लॉक्स बनाए गए ने, बाकी तो ऐसे ही है। डीम भी यही कह रहा था। इस नक्शे को देखकर लगता नहीं है कि इसमें कोई ऐसा कमरा है जहां से 4000 हर्ट्ज के आवाज निकलती होगी। कमरा तो बनाया गया, वो भी काफी सोच समझ के, क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि बिल्डिंग के बनावट के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी। पर सर उस कमरे के बारे में पता चलेगा कैसे? उन उंगलियों के निशान से पता चलेगा जो दरवाजे पे से उठा के लाए गए। अभिजीत, हॉस्पिटल के उस कॉरिडोर में जितने भी दरवाजे हैं उन सब पर उंगलियों के निशान तो काफी है, लेकिन मरने वालों में से किसी की भी उंगलियों के निशान वहां पर नहीं। कमाल की बात है, एक भी निशान नहीं है। नहीं, एक और कमाल की बात है, उस कॉरिडोर में एक कमरा ऐसा भी है जिसके दरवाजे पर सिर्फ दो लोगों की उंगलियों के निशान है। और वो दो निशान है किसके? विवेक और काजल के। विवेक और काजल की उंगलियों के निशान उस दरवाजे पे मिले? शायद हुआ ऐसा होगा कि खूनी ने जाते वक्त दरवाजे पर जितने भी उंगलियों के निशान थे सब साफ कर दिए, लेकिन जब काजल और विवेक कमरे में चेक करने के लिए पहुंचे तो उनकी उंगलियों के निशान उस दरवाजे पर रह गए। मतलब खूनी हॉस्पिटल का ही कोई आदमी है, और उन दोनों मरने वालों को जो कुछ भी हुआ है उस कमरे में ही हुआ है। शायद खूनी वहां छुपके बैठा होगा, मगर उस कमरे को विवेक और काजल ने बहुत अच्छी तरह से चेक किया और वहां पे ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिसकी आवाज से कानों के पर्दे फट जाएं। फिर भी दया, फिर से चेक करना पड़ेगा वो कमरा। सर दो बिल्डर्स के बारे में पता चला है सर, जो दुआ कर रहे कि हॉस्पिटल बंद हो जाए और वो लोग उसे खरीद सके। अच्छा कौन लोग है ये? एक है जयंत और दूसरा दामोदर। सही है, जयंत वहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहता है और दामोदर वहाँ पे एक बड़ा सा मॉल बनाना चाहता है। तो फिर इन दोनों में से कोई है जो हॉस्पिटल को बदनाम करके फायदा उठाना चाहता है। एक अजीब बात और है सर। अरे तो पेट में क्यों छुपा रखा है, बता ना क्या अजीब बात है? ये दामोदर पिछले एक महीने से कर्नाटक में है, लेकिन जयंत उसी हॉस्पिटल में भर्ती है जहाँ पे ये सब हो रहा है। अच्छा जयंत उसी हॉस्पिटल में है। कैसे हैं मिस्टर जयंत, कैसी है तबीयत आपकी? क्या बताऊं सर कैसा हूं,
यहाँ खून हो रहा है, चारों तरफ डर है, मैं भी डरा हुआ हूँ। हमें तो लगा कि आप बहुत खुश होंगे कि दो चार लोग और मर जाए और ये हॉस्पिटल बंद हो जाए, और हॉस्पिटल के बंद होते ही यहाँ पे आप एक नई बिल्डिंग खड़ी करते। सर, जैन बहुत बड़ा आदमी है, उसके साथ छेड़छाड़ करने से हंगामा हो सकता है, और फिर अगर न्यूज़पेपर में आ गया तो हमारे हॉस्पिटल की बदनामी होगी। सर, तो अब क्या हो रहा है, है? अब क्या हो रहा है डॉक्टर ऋषभ, कोई कसर बाकी है हॉस्पिटल की बदनामी होने की? जो कुछ भी हुआ है ना, इसी कमरे में हुआ है, इसी कमरे में। सर, यहाँ तो मरीजों की जांच होती है। तो फिर इसका मतलब है बहुत सारे मरीज आते होंगे इस कमरे में? हाँ। तो फिर उनके उंगलियों के निशान कैसे नहीं इस कमरे के दरवाजे पर? क्या बिना हाथ लगाए अंदर घुसाते? क्या आप क्या कह रहे हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, मैं कुछ समझा नहीं। इतने ना समझ तो आप लगते नहीं है। आप इस हॉस्पिटल की जमीन को खरीदना चाहते हैं ना, इसलिए हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए आपने लोगों का खून कर दिया। यहाँ का स्टाफ और यहाँ के मरीज हॉस्पिटल छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन आप है कि यहीं पे चिपके हुए, क्यों? मैंने खून नहीं किया। तो फिर हॉस्पिटल में मरीज बन के आने का आपका मकसद क्या है? मरीज हूँ तो मरीज बनकर ही आऊंगा ना। रेडी, या जितनी भी मशीन है एक एक मशीन को अच्छी तरह से चेक करो, एक एक मशीन को, कोई भी चीज छुटनी नहीं चाहिए। वो चीज यहीं पर छुपी है जिसमें से वो भयानक आवाज आकर लोगों के कानों के पर्दे फटे, समझे? वैसे ये आपकी रिपोर्ट तो बताती है कि आपके दिल में दर्द उठा था और आप भागते हुए हॉस्पिटल चले आए, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि आपके सीने में दर्द वर्द कुछ नहीं हुआ था, सब नाटक था। जब तक दर्द चला गया था। ओ, आपका दर्द चला गया लेकिन आप यहाँ पे चिपक कर बैठ गए, क्यों? बोलती बंद हो गई ना? इस हॉस्पिटल में जो भी खून हो रहे हैं आपकी देखरेख में हो रहे हैं, और यहाँ तक कि कोमल और सारिका का खून भी आप ही ने करवाया है। ऐसी कौन सी चीज है वो? ये जो आपकी सारी मशीन है ना, सब खोल कर देखेंगे, पता चल जाएगा कहाँ से आवाज आती है वो। खोल के देखेंगे? जी हाँ। ये मशीनें खराब हो जाएगी सर, बहुत कीमती मशीनें हैं ये। आपकी मशीनें कीमती है या इंसान की जान कीमती है? कैसे डीन है आप, कैसे डॉक्टर है आपको ऐसे नहीं लगता कि पता लगाना चाहिए क्यों जाने जा रही है लोगों की? रेडी, ये सारी मशीन खोलने का हमारे पास सामान है ना? है ना सर, गाड़ी में लेकर आओ, और मजदूर भी लेकर आओ, कुछ तोड़ के देखना है। तोड़ना है? सर आप मानो या ना मानो, ये खून मैंने नहीं किए। तो फिर मरने से पहले सारिका इस वार्ड में क्यों आई? मुझे नहीं मालूम, हमेशा तो दूसरी नर्स आती थी, पता नहीं उस दिन वो क्यों आई थी। उस दिन कौन सी नर्स ड्यूटी पे थी यहाँ पे? ड्यूटी तो मेरी थी, पर सारिका यहाँ पे क्यों आई थी ये मुझे नहीं मालूम। ये तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आपको इस हॉस्पिटल में कुछ और दिन आराम करना होगा। जी हाँ जी, बोलिए क्या चाहिए? हम लोग CID से, आप प्रतीक हैं सारिका के हस्बैंड? जी। देखिए एक अजीब बात पता चली है, जो आदमी हॉस्पिटल में मर्डर कर रहा है आपकी वाइफ उसके साथ मिली हुई थी। शक था मुझे, मुझे भी यही शक था, जरूर वो कोई गलत काम कर रही है। अगर आपको शक था तो आपने पूछा नहीं अपनी वाइफ से? पूछा था सर, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, चुप चुप के रोज फोन पे बातें किया करती थी किसी से। देखिए मामला यहाँ तक पहुँच गया है तो आपकी इजाजत हो तो आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी, क्योंकि खूनी अभी भी खुला घूम रहा है और हो सकता है सुराग आपके घर में ही। चेक करो। चल। ये किससे फोन पे बातें करती थी आपकी वाइफ, क्या बातें करती थी? कुछ पता नहीं चला सर, और एक दिन अचानक देखा कि उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया। मैं तो इतना सारा पैसा देखकर चौंक गया था। सर, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये आप बजाते हैं? ये कहां से आई? अच्छा, आपके घर में मिला और आपको मालूम नहीं कहाँ से आई? सर मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ। सर कहीं वो इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है जिसकी अजीब सी आवाज उस कॉरिडोर में सुनाई देती थी? हो सकता है ये बजता था और लोग वहां पहुंच जाते थे ये सुनने के लिए कि क्या बज रहा है।
पर हाँ कभी कभी अजीब सी आवाज जरूर सुनी। आवाज? जी। कैसी आवाज? सर जैसे किसी पाइप में से कोई हवा पास हो रही हो। यही है, वैसी आवाज जैसे उस मरीज ने बताई थी। ये सारिका किसके लिए काम कर रही थी? सर इस आदमी को पता भी नहीं कि क्या करना है, फिर भी इसने सारी मशीनें खोल के रखी है। ये आदमी ट्रेंड है क्या? ट्रेंड नहीं हूं लेकिन गधा भी नहीं हूं, समझे? सर, हाँ। सर हम लोग जैन से मिलके आ रहे हैं, उसे देख के लगता नहीं कि उसे कोई बीमारी मारी है सर। अच्छा, और तो और सारिका ने मरने से पहले आखिरी बार जैन से ही बात की। और सर सारिका की ड्यूटी भी नहीं थी उस वक्त उस वार्ड में। तो बताइए डॉक्टर ऋषभ, इकट्ठा कट्ठा आदमी जयंत आपके हॉस्पिटल में मरीज बनकर लेटता है और आपकी हॉस्पिटल की नर्स सारिका उससे मिलने के बाद मर जाती है, कैसे? मालूम नहीं सर। और सारिका, बताइए सारिका वहां पर गई क्यों उस वार्ड में जब उसकी ड्यूटी नहीं थी? मुझे मालूम नहीं सर। अरे इसके अलावा कोई जवाब है क्या नहीं आपके पास? सर सोनिक वेपन आवाज का हथियार, ये भी आवाज का हथियार, ये भी, तीन तीन आवाज का हथियार। कौन से हथियार सर? कौन से हथियार? ये वही हथियार जिसमें से वो भयानक आवाज निकलने की वजह से चंदन, कोमल और श्रवण के कान के पर्दे फट गए। ये तीनों डिवाइसेस इस मशीन के अंदर कैसे पहुंचे? ये तो हम भी पूछना चाहते हैं आपसे डॉक्टर ऋषभ, कि तीनों के तीनों आवाज के हथियार इतने बड़े मशीन के अंदर कहां से आए? बताइए कहां से आए, बताइए सर। ये देखिए सर, ये वायरिंग इस कमरे से होके उस कमरे की तरफ जा रही है। लेकिन सर वो आवाज इतनी जोर से हुई कि उन तीनों के कान के पर्दे फट गए, तो फिर वो आवाज हमें क्यों सुनाई नहीं दी? आपको क्यों नहीं सुनाई पड़ी? सचिन, बाहर मजदूर आए होंगे, बुलाओ उन्हें अंदर। देखा डॉक्टर ऋषभ, सारी दीवारों को साउंड प्रूफिंग किया है, ऐसे साउंड प्रूफिंग, और इसीलिए या जो भी आवाज हुई अंदर वो बाहर किसी को पता नहीं चला। सचिन अच्छी तरह से जाकर चेक करो, देखो ढूंढो ढूंढो इसका स्विच कहां पर है। हाँ फ्रेडी बंद करो अभी। अपने अपने कान इन ईयरमफ से अच्छी तरह से ढक लो, हैं? जरा भी लापरवाही हुई तो जान जा सकती है, समझे? हाँ सर। रेडी रेडी सर, जरा सी भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। वेरी गुड, एक्सलेंट। अब जैसे ही सचिन को वो स्विच मिलेगा, वो 5 सेकंड के काउंट के बाद वो स्विच ऑन करेगा,
और फिर इसमें से वो भयानक आवाज आनी शुरू हो जाएगी। ये रहा वो स्विच जिसे खूनी ऑन करता है और वहां से डिवाइस चालू होता है। सर, सचिन सर को स्विच मिल गया। स्विच मिल गया, कान बंद करो जल्दी। एक, दो, तीन, चार, पांच। तो सिर अब भी घूम रहा है। सर, मेरे मेरे कान गूंज रहे। सर, आप लोग ठीक तो हैं? कुछ हुआ तो नहीं? नहीं सचिन, हम लोग ठीक हैं। लेकिन इतना भयानक अनुभव था ये, भयानक। इससे पता चलता है कि इतनी दर्दनाक मौत हुई होगी उन लोगों की। डॉक्टर ऋषभ, ये कोई एग्जामिनेशन रूम नहीं है, कोई एग्जामिनेशन रूम नहीं, टॉर्चर रूम है ये। मेरे तो हाथ पैर अभी भी कांप रहे सर, आंखों के सामने सभी चीजें चलती फिरती नजर आ रही है। फ्रेडी, अच्छा हुआ तुमने कानों पर ईयरमफ लगा रखा था सेफ्टी के लिए, वरना तुम्हारा भी वही हाल होता जो कोमल और श्रवण का हुआ था। मगर सर, खूनी है कौन? जैन पे शक है लेकिन सबूत नहीं उसके खिलाफ। मगर अभी जी, जिस तरह से कमरा बना हुआ है, ये रिनोवेशन के वक्त ही प्लानिंग की गई होगी, उसी वक्त ये कमरा बनाया गया होगा। उसके बाद बनाते तो शायद हॉस्पिटल के स्टाफ को पता चल जाता। मगर एक बात पक्की है, खूनी जो कोई भी है उसे आवाज की फ्रीक्वेंसी और लाइट के बारे में सब कुछ मालूम है। अच्छी तरीके से जानता है वो आदमी कि इन चीजों के इस्तेमाल से कैसे किसी को मारा जा सकता है, कितनी आवाज से कान के पर्दे फट जाएंगे, कब ब्रेन हैमलेज होगा, सब कुछ जानता है। काम कोई मनोचिकित्सक या दिमाग के बारे में जानकारी रखने वाला ही कर सकता है। खूनी कोई साइकेट्रिस्ट है? लेकिन सर, उस हॉस्पिटल में कोई साइकेट्रिस्ट नहीं। कोई तो है पूर्वी, कोई तो है जो असलियत छुपा के वहां पे रह रहा है। से बाहर निकालने के लिए कोई खेल खेलना पड़ेगा, कोई दिमागी खेल। ऐसे कब तक इंतजार करेंगे? कम से कम मरीजों के बारे में तो सोचो। सर, हमें और भी मरीजों को देखना है, हम लोग चले? नहीं, एसीपी साहब का ऑर्डर है, वो लोग बस आते होंगे। सर, पता चला कि खूनी कौन है? हाँ बिल्कुल पता चल गया, बस थोड़ी देर में बता देंगे। लेकिन फिलहाल हम आप लोगों की हिफाजत करने के लिए आए हैं। किस तरह की हिफाजत सर? आप लोगों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उन हमलों से आपकी हिफाजत। सर, ऐसा हो सकता है इन हमलों से बच सकते हम लोग? क्यों नहीं बच सकते? आप लोगों के कान के पर्दे फटना, ब्रेन हेमरेज होना, इन सभी हमलों से आप बच सकते हैं, क्योंकि हमारे फोरेंसिक सर्जन डॉक्टर साळुंखे, इन्होंने एक स्पेशल इंजेक्शन बनवाया है उसके लिए। कहीं हम लोग और भी बीमार तो नहीं हो जाएंगे इस इंजेक्शन से? जी नहीं, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, बहुत सारे टेस्ट करने के बाद ये इंजेक्शन बनाया गया है। मैंने अपने ऊपर भी टेस्ट किया इस इंजेक्शन को, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डॉक्टर साळुंखे, बताएंगे कि इस इंजेक्शन में कौन सी दवाई है, फॉर्मूला क्या है? आप लोगों में से कोई दिमाग का डॉक्टर होगा तो पहचान सकता है फार्मूला क्या है। फिर भी सर, आप बताइए तो सही। सोडियम पेंटाथॉल सीरम है इसका नाम, लाओ आ दो। क्या कर रहे हैं? क्या हो गया डॉक्टर दुष्यंत, आपने अपना हाथ पीछे क्यों खींच लिया? कुछ परेशानी है क्या आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये समझ में आ गया है कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं। वाह, क्या बात, बड़े होशियार हैं आप डॉक्टर दुष्यंत। हैं? तो फिर बताइए क्या करने वाले हैं हम? आप लोग हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि सोडियम पेंटाथॉल मानसिक रोग दूर नहीं करता है, बल्कि सच्चाई उगलवाने की दवा है जो कि अपराधियों को दी जाती है। डॉक्टर दुष्यंत, ये सब आप कैसे जानते हैं? वो डॉक्टर दुष्यंत तो और भी बहुत कुछ जानते हैं, है ना डॉक्टर दुष्यंत, ENT स्पेशलिस्ट,
कान नाक और गले के स्पेशलिस्ट। वैसे आप मत घबराइए, इसमें सिर्फ ग्लूकोज का पानी है। हाँ डॉक्टर दुष्यंत, तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए किया हुआ ये ड्रामा है, समझे? बोलिए क्या बोलना है। सॉरी डॉक्टर, अब भागने की कोई गुंजाइश नहीं है, चलिए। क्यों डॉक्टर दुष्यंत, हैं? क्या हुआ? सर इसे ऐसी सजा देना जो जिंदगी में फिर कभी ऐसा गुनाह करने के बारे में सोचे भी तो रूह कांप जाए इसकी। तो बताओ क्यों किए ये खून तुमने? हॉस्पिटल बंद करवाने के लिए। एक डॉक्टर होते हुए भी हॉस्पिटल बंद करवाना चाहते थे आप? इतना घिनौना काम क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे पैसों को लालच दिया था। वो जानता था कि मैं दिमाग का डॉक्टर हूं, बिना हथियार के मैं किसी का भी आसानी से खून कर सकता हूं, और इसमें सारिका भी मेरे साथ थी। तो फिर तुमने सारिका को मारा क्यों? क्योंकि उस तक आप पहुंचने वाले थे। मुझे डर था कि अगर उसने मुंह खोल दिया तो मैं मारा जाऊंगा, इसलिए मैंने उसे भी चांस से मार दिया। पैसों की लालच वो किसने दिखाई तुम्हें? दामोदर ने। वो यहां पर एक मॉल बनाना चाहता था। और तुम भूल गए कि तुम एक डॉक्टर हो, जान बचाना तुम्हारा काम है, जान लेना नहीं। भूल गए तुम, पेशे से गद्दारी की तुमने, हिपोक्रेटिस की शपथ भूल गए तुम, तीन तीन खून किए, अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.